गाइस आज हम एक टमाटो भरमा टमाटो की सब्ज़ी बनाएंगे, आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है। तो स्टफ टमाटो आपको दिखाते हैं ये किस तरह बनाई जाती है इस सब्ज़ी को। चलिए गाइस बनाते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड टमाटो। तो ये हम टमाटो को ले लिए हमने और अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और इन्हें आप देख तुम्हें काट कर दिखाते हैं कि इसमें थोड़ा सा होल करना है। इस तरह से इसको काट लेना है और इसके अंदर का जो माल पानी है वो अच्छी तरह से हमको इस तरह से काट के निकाल लेना है, पूरा खाली कर लेना है गाइस। धीरे धीरे से आराम आराम से इसमें जिस सलाद भर सके। ये देखिए गाइस, हमने इसको खाली कर लिया, होल कर लिया इसके अंदर, और इन्हें भरवा टमाटर भी कह सकते हैं। तो अब इनको हम सभी को इसी तरह से कर लेंगे गाइस। तो नीचे से थोड़ा सा काट लेंगे जिससे कि ये टिक सके। ये देखिए, तो इसी तरह से हमने सभी को कर लिया है। ये सभी टमाटो को इसी तरह से होल कर लिया है हमने, और इसको भी कर लिया है। चलिए गाइस अब इसकी मसाला बनाते हैं। ये हमने एक एग लिया और अंडा लिया है और आलू लिया है। ये देखिए गाइस, हमने टमाटो में भरने के लिए एक आलू उबाल लिया और मटर ले लिए और एक एग ले लिया, इसको हमने उबाल लिया अच्छी तरह से। अब इनको मैश करके भरता बनाएंगे ऐसे। तो ये प्याज लिए छोटी सी एक और दो तीन हरी मिर्च लिए। तो इनको चलिए गाइस थोड़ा सा मैश कर लेते हैं और फिर इनका भरता सा बनाएंगे। यह आलू को इस तरह से मैश हो गया और एग को हम इससे कद्दूकस से थोड़ा ग्रेट कर लेंगे इस तरह, जिससे कि ये इसमें मिल जाए। ये देखिए, ये देखिए गाइस हमने कढ़ाई रख दी और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया जिससे कि हम अपने मसाले को इसमें भून लेंगे। अब थोड़ा सा तेल गर्म हो चुका है, जीरा डाल देंगे। अब थोड़ी सी गाइस हींग भी डाल देंगे। तेल में गाइस अब हरी मिर्च और प्याज छोड़ देंगे। कैसे कर लेंगे और इसमें अपने मसाले डालेंगे। थोड़ी सी गाइस इसमें हल्दी डालेंगे और स्वाद के अनुसार मिर्ची डालेंगे और स्वाद के अनुसार ही नमक डालेंगे और एक चम्मच भर कर हम धनिया पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ी सी मेथी, कसूरी मेथी डाल देंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, मसाले को भून लेंगे। गाइस अब मसाला भून चुका है तो इसमें हम अपने सारा सामान डालेंगे। इस मसाले को थोड़ा मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा मसाला बन तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला हो तो वो थोड़ा सा घर का मसाला डालना पिसा हुआ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसको भी मिक्स कर लो। चलो गाइस दो तीन मिनट के लिए इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए, फिर इसमें टमाटो में भरेंगे। गाइस अब इसमें हम अपना मसाला टमाटो में भरेंगे इस तरह से। स्टफिंग कर लेंगे इसकी और अच्छी तरह से भर लेंगे गाइस बढ़िया तरह से। जिस टमाटो जब पकेगा तो थोड़ा ढीला हो जाता है, तो इसमें अच्छी तरह से स्टफिंग अपनी जाएगी। ठीक है गाइस इस तरह से। तो सभी को हमें इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए गाइस हमने टमाटो अच्छी तरह से स्टफ कर लिए हैं और ये भर लिया है इसके अंदर हमने अच्छी तरह से। अब ये मसाला हमने इनके ग्रेवी बनाने के लिए लिया है। इसमें टमाटो, प्याज और लाल मिर्च लिए, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसको पीस लेंगे, मसाला बना लेंगे। गाइस हमने तेल रख लिया है और अच्छी तरह से इसको गर्म होने दिया है। थोड़ा सा तेल लिया है, ज़्यादा नहीं लेना, और इसमें जीरा डाल देंगे और इससे थोड़ा सा बनाइए। जो ग्रेवी हमने बनाई है वो अब इसमें जाएगी, इसमें डाल देंगे। अपने जार को भी धोकर इसी में डाल देंगे अच्छी तरह से। गाइस अगर आपको पनीर में बनाना है तो आप पनीर भी ले सकते हैं। हमने एग लिया है तो इसको अब ग्रेवी को अच्छी तरह से पकी पकाई ग्रेवी है, लेकिन गाइस थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे।
राइस ये थोड़ा सा पक बन चुकी है हमारी ग्रेवी। अब इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, और हमने नमक अतका हुआ में भी डाला था मसाले में, तो थोड़ा सा ही डालेंगे राइस, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए, और थोड़ी सी चिली डालेंगे, थोड़ा सा ही धनिया डालेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से हम ग्रेवी को पकने देंगे 5 मिनट के लिए। और गाइस फीकी ग्रेवी नहीं चाहिए तो थोड़ी सी ना इसको पकने देते हैं। जी गाइस अगर ये ना निकलने के लिए हम इसमें टूथपिक लगा रहे हैं, जिससे कि ये टमाटो हमारा निकले नहीं, ये किसका छिल ऊपर का ढक। ये देखिए गाइस हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। अभी इसी में अपने टमाटो छोड़ देंगे, जिससे कि हमारे टमाटो भी पक जाए इसी ग्रेवी में आराम से। दस जब तक हमारे छोड़े टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसको पकाएंगे गाइस। अब इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए गाइस। अब इसे आराम से ढक देंगे, आँच पे पक जाएंगे हमारे टमाटो। ये देखिए गाइस अब हम देखते हैं हमें टमाटो तो बनाएंगे नहीं बने अच्छी तरह से हुए गाइस। ये देखिए फट रहे हैं, ये फटे हुए दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब है टमाटो पक गए। अब इनको अच्छी तरह से प्यार से निकाल लेंगे गाइस एक प्लेट में। ये देखिए गाइस इन्हें अच्छी तरह से प्यार से एक प्लेट में रख लेंगे आराम आराम से, बड़ी नकाजत के साथ, क्योंकि ये टमाटो है। इसी तरह से अपने टमाटो गाइस इसमें आप थोड़ी सी अपनी ग्रेवी डालेंगे इसके नीचे। ये देखिए गाइस ग्रेवी डाल दी है, और आप देख सकते हैं गाइस हमारे टमाटो थोड़े रेड है और ग्रेवी हमारी थोड़ी लाइट है, तो ऐसे ही रखना है क्योंकि बहुत प्यारी लग रहा है। धनिया की इस तरह से सजाने के लिए ये हमने रख दी, थोड़ी सी बीच में भी डाल देंगे गाइस। ये देखिए हम वर्मा टमाटो कितने प्यारे लग रहे हैं, स्टेप टमाटो कितने प्यारे लग रहे हैं, और बन के तैयार हो गए गाइस। तो आप ये रेसिपी बना कर देखिएगा अपने घरों में, बहुत ही प्यारी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट करके हमें जरूर बताएं। रेसिपी आप जरूर बनाइएगा अपनी फैमिली के साथ, जब भी आपको पता चलेगा कि किस दिन हम बढ़िया सब्जी बनाते हैं। तो गाइस तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।